नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका स्वर में टाइम्स में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी ईडी की शराब कारोबारी और नेताओं के ठिकानों पर छापा, रायपुर दुर्ग में कार्रवाई जारी। जगदलपुर में गांजा तस्करी, दो अलग अलग जगहों से पुलिस ने गिरफ्तार किए चार तस्कर, कुल 45 किलो गांजा बरामद। कोरबा रेलवे स्टेशन पर पब्लिक टॉयलेट में आग से मचा हड़कंप, घंटों बाद पाया गया काबू, असामाजिक तत्वों की थी करतूत। बिरगांव नगर निगम में आज पेश किया गया बचत का बजट, विपक्ष नहीं हुआ शामिल, प्रश्नकाल के लिए लगाए गए थे 8 सवाल, एक पर भी नहीं हुई चर्चा। अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, बस पलटी, 20 से 25 बच्चे घायल। धमतरी में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर में पसरा मातम। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, अब 225 से 260 रुपए अधिक मिलेगी मजदूरी, 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। प्रदेश में बासमती सुगंधित चावल प्रजाति नगरी दुबराज को मिला GI टैग, किसानों को मिलेगा व्यापारीकरण का विशेषाधिकार। आरक्षण विधेयक पर राजभवन और सरकार में टकराव जारी, नए राज्यपाल के बयान पर भड़के मंत्री अमरजीत भगत। बलौदाबाजार में भीषण हादसा, ड्राइवर का पैर कटकर हुआ अलग, बस की टक्कर में 40 से ज्यादा बाराती घायल। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।